मीर इकबाल, प्रनूतन और कर्ज। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज वाले जो चार शब्द या फिर कुछ नाम और कुछ बातें की मैंने अभी शुरुआत में, इसी के ऊपर आज की हमारी एक खास रिपोर्ट बनी हुई है। सलमान खान और जहीर इकबाल, ये दोनों तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ दबंग खान सलमान के बारे में, और जहीर इकबाल जो कि फिल्म नोटबुक के साथ नजर आने वाले हैं। प्रनूतन जो है वो बेटी हैं मोहनीश बहल की, काफी ज्यादा फेमस एक्टर रहे हैं और इन्होंने सलमान खान के साथ काम भी किया है। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक कर्ज के चक्कर में सलमान खान ने पूरी फिल्म बना दी। सलमान खान प्रोडक्शंस में अब एक नई फिल्म सामने आ रही है, नोटबुक। फिल्म का ट्रेलर आपने देखा होगा, अगर तो आप जान गए होंगे कि फिल्म बेहद अच्छी लग रही है ट्रेलर को देखकर। तो इसके अलावा इसके पीछे की अब क्या क्या कहानियां हैं, ये मैं आपको आज अपनी खास रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे दबंग खान और साथ ही साथ जहीर इकबाल का इन दिनों काफी कंपेरिजन किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों को लॉन्च कर चुके सुपरस्टार सलमान खान अब कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बन रही प्रेम कहानी के साथ जहीर इकबाल को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने जहीर को सलाह दी है कि जिनसे तुम प्यार करते हो और जो तुमसे प्यार करते हैं उनका हमेशा सम्मान करना और उनके लिए हमेशा वफादार रहना। आपको बताना चाहेंगे कि सलमान ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के लिए एक तस्वीर साझा की जिसमें उनके हाथों में एक बच्चा है। एक बयान के मुताबिक जानकारी है कि जहीर किसी फिल्म घराने से नहीं है बल्कि उनके पिता और सलमान बचपन के दोस्त हैं। सलमान ने एक ट्वीट किया था कि ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं, जहीर चाहे कुछ भी हो हमेशा अपना बेहतरीन देने की कोशिश करना। यूं तो ये ट्वीट उन्होंने काफी पहले किया था, लेकिन अब इस ट्वीट का मतलब है नोटबुक से, जो कि जहीर इकबाल की डेब्यू फिल्म है। वो बताना चाहेंगे कि सुपरस्टार सलमान खान ने अपने दोस्त इकबाल की एक तस्वीर भी शेयर की थी और उन्होंने लिखा था कि किशोर अवस्था में ये मेरा बैंक था, मुझे अब भी उसे 2011 रुपए देने हैं, भगवान का शुक्र है कि उसने ब्याज नहीं लिया। आपको बता दें कि ये फिल्म अब ट्रेलर के साथ सामने आ चुकी है और इस फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। इसके अलावा हाल ही में सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म नोटबुक से लॉन्च होने जा रहे हीरो जहीर इकबाल इससे भी दो कदम आगे निकल गए हैं और भाईजान से दो कदम आगे निकल गए हैं। कश्मीर में शूटिंग के दौरान मिले 11 साल के एक बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए वो उसे अपने साथ मुंबई लेकर आ गए। इस बच्चे का नाम महरूस अहमद और ये बच्चा जहीर को कश्मीर में एक एक्टिंग वर्कशॉप के दौरान मिला। इस नन्हे कलाकार के बारे में बात करते हुए जहीर ने कहा, महरूस उन होशियार बच्चों में से एक है जिनसे मैंने अभी तक मुलाकात की है। इतना ही नहीं, वो सेट पर अन्य बच्चों को मैनेज करने में भी फिल्म की टीम की मदद करता है। यानी कि सलमान खान के साथ साथ अब जहीर इकबाल भी बच्चों की मदद करते हुए नजर आए। वेल, आपने जाना होगा कि कैसे जहीर इकबाल जो हैं काफी चर्चाओं का इन दिनों विषय बने हुए हैं अपनी फिल्म नोटबुक को लेकर। आपने जाना कि कैसे सलमान खान एक कर्ज चुकाने के चक्कर में पूरी फिल्म बना चुके हैं और लॉन्च कर रहे हैं दो दो नए स्टार किड्स को। एक तो हैं प्रनूतन जो कि मोहनीश की बेटी हैं और दूसरे हैं जहीर इकबाल, ये भी सलमान के बचपन के दोस्त के बेटे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।